हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय ब्लॉग। और आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और ये देखिए, सुबह 10 बजे का ये टाइम है। आरब सो चुका है, सुबह उठा ही था, उसको हो गई है तगड़ी की सर्दी। तो फिर मैंने उसको सुला कर तब ये कपड़ा उपड़ा धुला है। और आरब के पापा गए नाश्ता करके। और ये देखिए, जब आरा पूटा सोकर तो फिर मैंने इसको अपना जो कपड़ा उपड़ा चेंज करना था, मुंह धुला कर नाश्ता पानी करा कर, और इसको दवा मैंने खिलाया है क्योंकि इसको हो गई है बहुत तगड़े की सर्दी। बट ये सर्दी के लिए रो रहा था, तो फिर मैंने नीचे टहलाने के लिए कहा। तो फिर ये जब नीचे आया तो बाहर जाने के लिए कह रहा था। यहाँ पर इसको अप डाउन करने में मज़ा आता है, तो फिर मैंने सोचा कि इसकी वाली कर दो क्योंकि ये सर्दी इसको हुआ है। तो फिर और ये देखिए, मैं आज गले में कोई था नहीं, दोपहर का समय था, तो फिर मैंने आज वीडियो बनाया है, तो फिर आप लोग भी देख लीजिए। और ये आरब छत पे आ गया क्योंकि इसको लगी थी प्यास। बोलता तो है नहीं कि मम्मी हमको पानी पिला दो, तो कमरे में बॉटल देख रहा है, फिर कमरे में से किचन में गया है, फिर बाल्टी को टच कर रहा है। अभी का ये सीन है कि आए हैं छत पे, जो सुबह कपड़ा धुल के डाले थे धुले थे वो ही छत पर आकर डाल दिए थे, फिर वीडियो नहीं बनाए थे मगर। और अब आए हैं उठाने के लिए। और मेरे बेटे को हो गई है सर्दी, तो सर्दी से उसको चिड़चिड़ापन हो गया है, तो बहुत परेशान कर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा भी हो गया है। अभी तो फ़िलहाल उसको सोला दिए हैं दवा ववा खिलाकर, फिर अभी सो रहा है। जितना सोएगा उतना उसको आराम मिलेगा, पर सोए तो सर्दी की वजह से सो नहीं पाता है, तो फिर चिड़चिड़ापन इसको हो जा रहा है। और इधर ब्लॉग डाल नहीं पा रहे हैं आजकल क्योंकि आरब की वजह से, आरब को भी संभालना पड़ता है, फिर ब्लॉग भी बनाओ तो फिर नहीं बना पा रहे हैं। और इसी मारे रोज़ रोज़ नहीं डाल पा रहा है, पर कोशिश करेंगे कि ब्लॉग डालते रहें। और फिर ये कपड़ा उठा लें और चलते हैं नीचे क्योंकि हम भी ज़रा सा रेस्ट कर लें। सुबह से एक भी, जैसे कहा जाता है, रेस्ट करना नहीं कर पाए हैं, उसके वजह से नीचे ले गया हमको, दौड़ाया फिर ऊपर ले आया, कह रहे उधर टहलाओ उधर टहलाओ, तो फिर ऐसे करते करते शाम को जाकर सोया है मेरा बच्चा। और ये देखिए, ये कपड़ा सब धुले हुए थे, ये सब तौलिया वलिया, ये बाबू का ही कपड़ा है, सारा कपड़ा है, तो सब उठा लेते हैं और फिर तय करके रखना भी है और फिर रेस्ट भी करेंगे, बहुत थक गए हैं। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और ये देखिए, अगली सुबह की है और जबकि आरब जल्दी ही उठ गया था और इसको मैंने दवा खिलाया था, दवा से कुछ आराम है बट अब खांसी आने लगी है, तो फिर अभी मैंने खांसी का सिरप पिलाया है। और ये मॉर्निंग का है जब आरब भोर में ही उठ गया था, तो फिर मैंने सोचा कि छत पे टहला दें। और ये देखिए, आजकल धूप बहुत जल्दी निकल जा रहा है, तो देखिए कितने अच्छे से धूप निकल गई है, जबकि बज रहा है 6। और ये आते के साथ ये यहाँ पे झाड़ू उठाकर झाड़ू लगाने जा रहा है। और यहाँ से ट्रेन जाता है ना, तो ट्रेन को बहुत अच्छे से देखता है, इसको ट्रेन देखना पसंद है। तो फिर मैंने सोचा कि सुबह सुबह इसको धूप भी खिला दे और इसको टहला दे जो अच्छा लगे, और हम ही टहल लेंगे। और ये मेरा चेहरा देखिए कैसा लग रहा है, मुझे खुद को खराश हो गया, तो जो मेरे मुंह से आवाज़ तो निकल ही नहीं रही। ट्रेन आ गया है, तो ट्रेन देखने के लिए दौड़ते दौड़ते गया है। और मेरे भी गले में खराश हो गया है, आरब को भी हो गया है, तो फिर अब देखिए दवा तो खा है, ठीक हो जाए तो अच्छा है। हेलो फ्रेंड, और ये देखिए मेरे हाथ में मधुमक्खी काट ली है। ये पीपल के पेड़ में मधुमक्खी रहती हैं, तो नीचे लाइट जलता है तो सारे आ जाती हैं, तो फिर रोज़ आती हैं, पहले कभी नहीं काटती थी पर कल ऐसा काटी है। मेरा हाथ बहुत ज़्यादा फूला था, अभी तो पिचक गया है और इसमें बहुत ज़्यादा खुजली कर रहा है, मन कर रहा बहुत खुजलाते रहो खुजलाते रहो। ये तो बर्तन धुलें कपड़ा धुलें काम किए तो ठीक हो गया है, वरना तो हमको लग रहा था कि बहुत ज़्यादा फूलता, बट तो फूला नहीं और खुजली बहुत ज़्यादा कर रही है, ऊपर से आधा भी परेशान कर रहा है। अभी छत पे तो खेल रहा है, नीचे परेशान कर रहा है।
यादव का ट्रेन आ गया है तो झाड़ू लेके दौड़ रहा है। देखो भैया, हाँ इसको ट्रेन बहुत अच्छा लगता है। छत पे से आए तो फिर आरव को सुला दिया, तो फिर मैंने नहा धोकर ये चना उबलने के लिए रख दिया है। इधर पानी वानी भी मैंने भरा है और फिर छोला पूड़ी बनाया मैंने। आरव के पापा खा के चले गए थे तब जाके मैंने पूजा पाठ किया है, क्योंकि वो रहते हैं तो फिर पूजा नहीं हो पाती है। और ये देखिए मैंने प्याज काटा, सिलबट्टे मसाला पीसा है, और आजकल मैं लाल वाली मिर्च नहीं डाल रही हूँ, बस हरी मिर्च डाल रही हूँ, क्योंकि जो बहुत तीखा लग रहा है तो मेरे पेट में जलन होने लग रहा है, तो फिर अब नहीं डाल रही, स्किप कर दी, फिर उसको हटाई। आरव के पापा जाने के बाद फिर मैंने मंदिर को अच्छे से पोछा है और ये बर्तन को खूब अच्छे से धुला है मैंने, जबकि दिया वीया सब गंदा हो गया था। और ये देखिए बर्तन धुल चुका, अब जा रहे हैं मंदिर साफ करने के लिए। मंदिर आजकल धूल वाला मिट्टी वाला दिन है तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है मंदिर, रोज पोछो तब भी। और ये शंकर जी को मैंने पास में रख लिया है और ये इसी में कपड़ा रख देते हैं पोछ कर मंदिर को, क्योंकि बार बार फिर इधर उधर ढूंढना पड़ता है, तो इससे अच्छा इसी के अंदर डाल देते हैं। और ये अच्छा है जो इतना ज़्यादा सामान इसमें आ जाता है। अभी मंदिर, अब दोनों हाथ से पूछाएगा, एक हाथ से तो पूछाएगा नहीं, और ये मेरा मंदिर पूछ गया और अब पूजा हो गया। और ये देखिए पूजा भी हो गया माता जी का, बर्तन धुल के अच्छे से साफ करके मैंने मंदिर पूजा कर लिया है, और शिव जी को भी यहीं पर ला दिया है, तो यहीं पे इनको भी पोस्टर लगा दिया है, तो फिर इनका भी पूजा साथ में हो गया है। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। छोले में मैंने हल्दी नहीं डाला, लाल वाली मिर्च नहीं डाला, तो रंग कैसा दिखे कैसा लग रहा है, बट बहुत टेस्टी बना था। नाश्ता करने तो फिर आइए, आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं क्योंकि कल का भी ऐड करना है, आज का भी, तो यहीं पे वीडियो का एंडिंग करते हैं। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। टाटा।